हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी के बारे में। इस मेथड को यूज करके आप अपने फेसबुक अकाउंट को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउजर पर चले जाता हूँ। वहां पर जाने के बाद में मैं अपने फेसबुक अकाउंट को सर्च करूंगा, मतलब कि फेसबुक का जो वेबसाइट रहता है उस पर जाऊंगा मैं। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने फेसबुक अकाउंट को लैपटॉप या कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, मतलब कि लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना जो भी ईमेल एड्रेस रहता है वो यहाँ पर डालते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। वैसे लॉगिन में तो यही होता है, बट इसमें आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं। जब भी आप इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसे कि अभी एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जैसे कि आ गया है। तो यहाँ पर आप गलती से सेव कर देते हैं। वैसे सेव कर सकते हैं अगर आपका लैपटॉप है या फिर आप ही का कंप्यूटर में अगर आप एक्सेस करते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर आप अपना लैपटॉप देते हैं या कंप्यूटर देते हैं, तो अगर आपने जैसे कि इसे सेव कर दिया, अब सेव करने के बाद में आपने यहां से उसको लॉग आउट भी कर दिया, अब लॉग आउट करने के बाद में क्या होता है कि यहां पर आपका ये फोन नंबर तो यहां पर लगा हुआ रहेगा, फोन नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर आपके पासवर्ड भी रहेंगे। अब ये जो पासवर्ड है ये अभी तो डॉट 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 में आ रहा है, बट इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। वो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता कि वो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर नहीं शो कर सकता उसको, बट इसको भी यहाँ पर कन्वर्ट करके वो जो आपका रियल पासवर्ड है वो यहाँ पर शो किया जा सकता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर उसको सेव मत करिए। भले से वो आपका लैपटॉप हो या आपके कंप्यूटर में आप ओपन कर रहे हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से पासवर्ड देख के अगर अपने फोन में वो लॉगिन कर लेता है तो वो आराम से अपने मतलब आपके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है आसानी से, क्योंकि यहाँ से वो पासवर्ड देख लेगा। उसके बाद में फिर वापस से वो जब भी यहाँ पर एक बारी रीलोड कर लेगा तो वो पासवर्ड सेम वापस ऐसा ही हो जाता है, मतलब कि वो एक बारी वहां पर वो पासवर्ड को शो करता है, उसके बाद में जैसे ही उस वेबसाइट को वो रीलोड करेगा तो वापस से पासवर्ड सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पासवर्ड जो है वो सेव मत करिए। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप बार बार ही अपना पासवर्ड डाल दीजिए, एक मिनट भी नहीं लगता है इसमें। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं बिना पासवर्ड को सेव किए, भले ही वो आपका लैपटॉप हो या कोई किसी दूसरे का लैपटॉप हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।